नमस्कार दोस्तों, कुकिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे साबूदाने से टिक्की, बिना घी के, बिना तेल के। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। लोग ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम बिना तेल और घी के आपको ये टिक्की बना के बताएँगे। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम बनाते हैं साबूदाने की टिक्की। तो साबूदाना टिक्की बनाने के लिए हमने एक कटोरी साबूदाने को एक बाउल में ट्रांसफ़र किया। अब इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। ये हल्के से हाथ से मैश करेंगे, जितने स्टार्च हैं इसके निकल जाएंगे। इसको हम दो पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी कटोरी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कलर कैसे इसका निकल के आ रहा है। तो स्टार्च निकल गए। अब इसको हम छन्नी से एक बार छान करके इसको फिर भिगो देंगे। हमें पानी उतना लेना है जितने में ये हमारा साबूदाना अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। देखिए, हम इसके बिल्कुल लेवल में थोड़ा सा बराबर में पानी डालेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालने की ज़रूरत है। तो हमारा साबूदाना भीग चुका है, 4 घंटे 3 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया। अब हमने कुछ सामग्री ले रखी है, जिसमें हम सभी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो व्रत में भी बना सकते हैं। अब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग गया है, ये देखिए कितने अच्छे से ये भीग गया है। अब इसमें हम आलू को मैश करेंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ब्रेड के टुकड़े मैश करके डाल देंगे और आलू को अच्छे से मैश करके इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। अब हम डालेंगे काली मिर्च और जीरा। अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक है वो भी डाल देंगे, राई को डालेंगे और बारीक हरी मिर्च काट के डाल रहे हैं। आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च या लाल मिर्च मत डालिए, काली मिर्च थोड़ा यूज कर सकते हैं, ये हेल्दी होता है, अच्छा होता है। अब हम इसमें डालेंगे MDH का हींग, जो बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हमने इसको खस्ता कचौड़ी में डाला है, इसका टेस्ट ही बहुत फ्लेवर अच्छा आता है MDH में। तो हम इसको अच्छे से सभी मैश कर लेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो व्रत में आप साबूदाना आलू यूज कर लीजिए और बाकी ब्रेड और हल्दी को स्किप कर दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी देर के लिए, हम आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे थोड़ा सेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे धनिया बारीकी कटी हुई। अभी हमारे पास पिजन का ग्रिल वाला ये टोस्टर है, एक बार हमने वीडियो इसकी और बनाई है राजमे की। अब इसको हम घी से ग्रीस कर रहे हैं, दोनों साइड से ग्रीस करके रखेंगे। थोड़ा सा हम घी इसमें भी डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छे टेस्ट आता है। बाहर से बिल्कुल थोड़े हल्की सी क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होती है और अंदर से बिल्कुल फ्लफी होती है। इस तरह से बॉल बना करके हम पहले रख लेंगे, जिसे हमें बहुत ही इजी होता है बनाने में। तो आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस वर्क है या बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो आप इन टोस्टर को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इस तरह से हमने ये 10-12 बॉल बना करके रख लिए हैं। अब इसे हम इस पे दो दो करके रखेंगे, आप 3 भी रख सकते हो, लेकिन जो सेप इसमें 2 में आता है वो 3 में नहीं आ सकता है। तो आप 2 यूज करिए। इसको बंद करेंगे तो इसमें बंद करने के बाद जो ग्रिल का इसमें साइज है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए किस तरह से इसमें बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हुआ, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। अगर आपको हमारी ये साबूदाने की टिक्की की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इस तरह से हम सभी टिक्कियों को बना करके, और अगर आप व्रत में
यूज कर रहे हैं तो आप टमाटर की चटनी के साथ या धनिया की चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या सॉस के साथ आप इस समय खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, शाम के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में यूज कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। जब मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट इसको बना करके उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।